हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक रियलमी का स्मार्टफोन है तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप रियलमी के किसी भी पेड फ़ोन को कैसे फ्री में यूज कर पाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों, रियलमी का जो ऑफिशियल थीम स्टोर आपको देखने को मिलता है, उसमें जितने सारे फ़ॉन्ट्स आपको देखने को मिलते हैं उसमें मैक्सिमम आपको पेड फ़ॉन्ट ही देखने को मिलते हैं। लेकिन उन सारे पेड फ़ॉन्ट को आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल फ्री में यूज़ कर पाएंगे, उसके लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो का एक एक स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, और अधिक आपका समय ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन के थीम स्टोर में जाना है। थीम स्टोर में आने के बाद आपको सबसे पहले अपने थीम स्टोर को अपडेट कर लेना है। थीम स्टोर को अपडेट करने के बाद सबसे लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको ओपन करना है थीम स्टोर और एक फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही थीम स्टोर ओपन करेंगे, देख सकते हैं आपके सामने तीन चार ऑप्शन आएंगी। ऊपर के साइड में तीसरे नंबर पर आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो सिंपली आपको वहाँ से क्लिक करना है और देख सकते हैं कुछ फ्री फॉन्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मैक्सिमम फॉन्ट जो अच्छी होंगी वो आपको पेड देखने को मिलेंगी। सो सिंपली आपको इनमें से उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप अपने रियलमी के स्मार्टफोन पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए, मैं किसी एक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मान लीजिए मैं इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसका मूल्य आपको ऊपर के साइड में दिखाया जा रहा है और नीचे के साइड में आपको एक फ्री ट्रायल का ऑप्शन आ रहा है। सो सिंपली आप इसे फ्री ट्रायल ही कर सकते हैं। इसे यूज करने के बाद आपको 5 मिनट बाद से फिर से ये हट जाएगा। सो सिंपली आपको क्या करना है, फ्री ट्रायल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन 5 मिनट ट्रायल वाले पे क्लिक कर देना है। अब ये फॉन्ट आपके आपको 5 मिनट के लिए मिल चुका है, उसके लिए आपको रिसेंट क्लियर करना है। देख सकते हैं एक फॉन्ट पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है। अब करना क्या है, सिंपली सबसे पहले आपको अपने रिसेंट को क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद अब फॉन्ट थीम्स वाले ऑप्शन पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अब लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने तीन चार परमिशंस वाले ऑप्शन आ जाएंगे। सिंपली आपको परमिशन वाले ऑप्शन में जाना है और ये फाइल्स का परमिशन लिया होगा वहाँ से उसे डिसेबल करना है। देख सकते हैं एक फाइल वाला परमिशन डिसेबल करने के बाद आपको इस ऐप का क्लियर डाटा कर देना है। सो चलिए, मैं क्लियर डाटा कर लेता हूँ। तो क्लियर डाटा करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है और रिसेंट से इस ऐप को क्लियर कर देना है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है मेरे टेलीग्राम का, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद से वहाँ एक APK की लिंक है, वहाँ से आपको उस APK को डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं कि फाइल में आपको इस तरफ से कुछ दिखाई देगा। सो सिंपली आपको वहाँ से क्लिक करना है और उस APK को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आप वहाँ से अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, आपको ओपन नहीं करना है, बस आपको इंस्टॉल करके छोड़ देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो आप रिसेंट से क्लियर कर लीजिएगा सब कुछ। उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद जब आप अपने स्मार्टफोन को ऑन करेंगे, सो सिंपली आपका देखेंगे कि आपका 5 मिनट ट्रायल का इशू देखने को नहीं मिलेगा और ये फॉन्ट आपके स्मार्टफोन पर बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। सो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको थीम स्टोर को जो आप इंस्टॉल किए हैं उसे ओपन नहीं करना है। अगर आप उसे ओपन कर देंगे तो ये तरीका वर्क नहीं करेगा और आपका फिर से 5 मिनट ट्रायल वाला इशू देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको उसे ओपन नहीं करना है, जब तक ओपन नहीं करना है जब तक कि आप नया फॉन्ट अप्लाई न करना चाहते हों, क्योंकि अगर आप उसे ओपन कर देंगे तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको जब तक ये ओपन नहीं करना है जब तक आप नया फॉन्ट अप्लाई न करना चाहते हों। सो इस चीज़ का ध्यान देना है, इस चीज़ का ध्यान देंगे अगर तो आप बहुत ही आसानी से इस फॉन्ट को यूज़ कर पाएंगे, किसी भी पेड फॉन्ट को या फिर किसी भी पेड थीम को। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिले, कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए, आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।